मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो बेटे? अच्छा, नाउ टेल मी, ऑल ऑफ यू एंजॉयड योर हॉलीडेज? 3 डेज की छुट्टी मिल गई आप लोगों को ना, बहुत मस्ती की, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, नहीं की ना? चलो नाउ पुल योर सॉक्स एंड वी हैव टू स्टडी अलॉट. पता है ना, बहुत सारा पढ़ना है. लास्ट क्लास में वी स्टडीड अबाउट व्हाट वी स्टडीड, हाँ, अबाउट 3 मैजिकल वर्ड्स, है ना? मैजिकल वर्ड्स के बारे में पढ़ा था ना. चल नाउ ऑल ऑफ यू प्लीज टेक आउट योर EVS बुक, पेज नंबर 26. ओके, पेज नंबर 26 जल्दी से निकालिए. निकाल लिया. चैप्टर 6, बीइंग गुड. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? बीइंग गुड. ठीक है, नाउ मिस विल रीड एंड आई विल एक्सप्लेन यू ऑल्सो. अच्छा, सबसे पहले देखिए, ये पिक्चर दिख रही है, मामा है एंड ये बॉय है. ओके, नाउ मिस विल रीड एंड यू विल लिसन केयरफुली. ओह, रेहान ड्रॉप्ड अ प्लेट ऑन द ग्राउंड. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बॉय? व्हाट इज हिज नेम? हिज नेम इज रेहान. क्या नाम है इस बॉय का? रेहान. ओ, रेहान ड्रॉप्ड अ प्लेट ऑन द ग्राउंड. उसने क्या किया? उसने फ्लोर पे, ज़मीन पर एक प्लेट उससे गिर गई और वो टूट गई. दिख रहा है ना टूटा हुआ? चलो नहीं. व्हाट शुड रेहान से टू हिज मदर? अब वो पूछ रहे हैं व्हाट शुड रेहान से टू हिज मदर. अब उससे प्लेट टूट गई है तो व्हाट शुड रेहान से, उसको क्या कहना चाहिए अपनी मम्मा को? यस, उससे गलती हुई ना, बाय मिस्टेक से, बट उससे गलती हो गई ना, तो ही शुड से सॉरी. रेहान शुड से सॉरी टू हिज मदर. रेहान शुड से सॉरी टू हिज मदर. रेहान को क्या कहना चाहिए मामा को? सॉरी. एंड व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ सॉरी? SORRY, सॉरी. रेहान शुड से सॉरी टू हिज मदर. डू यू नो अबाउट द 3 स्पेशल वर्ड्स? वो आपको पूछ रहे हैं कि आपको 3 स्पेशल वर्ड्स के बारे में पता है. जल्दी से बताइए, व्हाट आर द 3 स्पेशल वर्ड्स? यस, सॉरी, प्लीज, एंड विच इज द 3rd वन? वेरी गुड, थैंक यू. सॉरी, थैंक यू एंड प्लीज आर द 3 स्पेशल वर्ड्स. वो बता रहे हैं 3 स्पेशल वर्ड कौन कौन से हैं. सॉरी, थैंक यू एंड प्लीज, दीज आर द 3 स्पेशल वर्ड्स, 3 मैजिक वर्ड्स. ओके, नेक्स्ट लाइन. वी से सॉरी when we make a mistake. Mistake मतलब जब हम कोई गलती करते हैं. We should always say sorry. जब हमसे कोई भी गलती हो जाती है तो we should always say sorry. Okay? Now come to the next page. अब यहाँ देखिए, ये कौन है? स्पेक्स लगाए हुए एक अंकल. ये दादू हैं, दादाजी. और दादाजी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ग्रैंडफादर. ओके, एंड ये क्या है? ये एक गर्ल है. चलिए, वी से थैंक यू व्हेन वी गेट अ गिफ्ट और व्हेन समवन हेल्प्स अस. हम थैंक यू कब कहते हैं? जब हमें कोई गिफ्ट मिलती है तब, या हम कोई हमारी हेल्प करता है. व्हेन एवर समवन हेल्प्स यू, यू शुड ऑलवेज से थैंक यू, है ना? तो देखिए, ये पिक्चर में दिखाया हुआ है कि ये ग्रैंडफादर हैं, दादू हैं. दादू ने गर्ल को क्या दिया? गिफ्ट दिया. तो उसने क्या बोला? थैंक यू ग्रैंडपा. ये अपने दादू को बोल रही है, थैंक यू ग्रैंडपा. ओके, वी से WELCOME वेलकम व्हेन समवन सेज थैंक यू टू अस. जब कोई आपको थैंक यू बोलता है तो आप क्या बोलते हो? कुछ भी नहीं बोलते हैं ना. यू आर वेलकम बोलते हैं ना, वेलकम.
अभी आपने मम्मा से वाटर लिया, मम्मा ने आपको वाटर दिया, तो फिर आपने मम्मा को थैंक यू बोला था। मम्मा ने आपके लिए कुछ भी किया तो आपने मम्मा को थैंक यू बोला, फिर मम्मा क्या बोलती हैं? मम्मा बोलती है ना वेलकम। ठीक है, तो जब भी आपको कोई थैंक यू बोलेगा तो यू विल से वेलकम। ओके, नाउ नेक्स्ट, वी से प्लीज व्हेन वी वांट समवन टू हेल्प अस। इसमें लिखा हुआ है हम प्लीज़ कब बोलते हैं? व्हेन वी नीड समथिंग, जब हमें किसी से कुछ चाहिए है या हमें कभी किसी से कोई हेल्प चाहिए है तो वी से ना प्लीज़ हेल्प मी, राइट। आपको मैं मिस ने वर्क दिया और आपको नहीं हो रहा है, आप मम्मा से बोलोगे ना मम्मा प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। ड्राइंग मिस ने आपको ड्राइंग करवाया, मैथ्स मिस ने, मिस शिखा ने आपको ड्राइंग दी थी लास्ट क्लास में, दी थी ना लास्ट वीक, तो फिर आपसे अगर ड्रॉ नहीं हो रहा है या हिंदी मिस आपको ड्रॉ करवाती है, नहीं होता है, तो आप मम्मा की हेल्प लेते हो ना, लेते हो, तो क्या कहते हो? मम्मा प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए, मम्मा प्लीज़ हेल्प मी बोलते हैं ना। या दीदी से भैया से अगर ड्राइंग में हेल्प लेनी पड़ती है तो यू से प्लीज़, है ना, बस वही लिखा है। व्हेन वी नीड सम हेल्प तो वी ऑलवेज से प्लीज़। इस पिक्चर में देखिए ये छोटा सा बॉय है एंड ये क्या है, पुलिस वुमेन खड़ी हुई है ना, तो वो उनको बोल रहा है ना प्लीज़ हेल्प मी फाइंड माई हाउस। उसको अपना घर नहीं मिल रहा, वो बहुत छोटा बेबी है, वो खो गया है, तो वो पुलिस आंटी को क्या कह रहा है, उसको उनको कह रहेगा कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए टू फाइंड मी माई हाउस, राइट। नेक्स्ट ये देखो, नाउ इन दिस पिक्चर व्हाट इज़ दिस गर्ल डूइंग, शी स्नीजिंग, उसको स्नीज कर रही है, वो छींक आ जाती है ना आपको भी अच्छी वाली, तो व्हेनेवर वी स्नीज या हम को खांसी आती है वी कॉफ, तो वी शुड ऑलवेज से एक्सक्यूज मी, क्या कहना चाहिए, एक्सक्यूज मी। और कब कहते हैं एक्सक्यूज मी, जब आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है और मम्मा पापा या कोई भी बड़ा बात कर रहा है और आपको बीच में इंटरप्ट करना है, बीच में पहले अपनी बात बोलनी है और वो लोग बात कर रहे हैं, कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, तो वी ऑलवेज से एक्सक्यूज मी, क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज मी, जब कोई बड़ा कुछ बात कर रहा है बट आपको बहुत जल्दी अपनी बात कहने के लिए, तो ऐसे ही जाके नहीं बीच में डिस्टर्ब करते, वी ऑलवेज से एक्सक्यूज मी। ओके बेटे, वी से EXCUSE एक्सक्यूज मी व्हेन वी स्नीज, जब हमको छींक आती है वी से एक्सक्यूज मी, एंड वी ऑल्सो यूज अ हैंकरचीफ, हैंकी भी यूज करते हैं, राइट। ठीक है बेटे, वॉट यू विल डू, यू विल ट्राई टू रीड दिस पेज, थोड़ा डिफिकल्ट होगा बट यू हैव टू प्रैक्टिस करेंगे बेटे तभी होगा, है ना। तो टुडे यू विल रीड दीज टू पेजेस, ओके, एंड नाउ टेक आउट योर ईवीएस नोटबुक क्विकली।